दोस्तों अगर आपके फैमिली मेंबर में 4 से 5 मेंबर हैं तो फिर आपको एक 7 kg की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने लिए कंसिडर करना चाहिए। फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला है हायर की फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में जिसकी कैपेसिटी 7 kg है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो 4 से 5 हैं तो फिर आपको एक 7 kg की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अपने लिए ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर आपके फैमिली मेंबर जो हैं वो 6 से 7 हैं तो फिर आपको एक 7 kg नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि वॉशिंग मशीन लेने के बाद सब लोग अपने कपड़े एक ही दिन वॉश नहीं करते हैं, अलग अलग दिन वॉश करते हैं। तो उससे आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि आपको आखिर कितने किलो की वॉशिंग मशीन अपने लिए कंसिडर करना चाहिए। एक वॉशिंग मशीन लेने से पहले बहुत सारे फैक्ट्स चेक करने होते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन कौन सी लें, एक सेमी ऑटोमेटिक लें, फ्रंट लोड लें या टॉप लोड लें, ऐसे बहुत से फैक्ट्स होते हैं। कितनी स्टार्टिंग होना चाहिए, कितने RPM स्पिन स्पीड की आपको एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कंसिडर करना चाहिए, जिसके ऊपर हमने एक कम्प्लीट डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है जो कि कम्प्लीट वॉशिंग मशीन बाइंग गाइड वीडियो है। वो वीडियो ज़रूर देखिए, उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। उस वीडियो को देखने के बाद आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आखिर आपको वॉशिंग मशीन कौन सी लेना चाहिए। दोस्तों एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अपने फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये पानी की बचत करती है, यानी कि पानी काफ़ी कम लगता है एज़ कम्पेयर टू टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम करती हैं एक टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। इसके अलावा इसके अंदर आपको एडन पॉज का बटन भी दिया हुआ होता है, यानी कि आप कपड़े कभी भी पॉज करके दोबारा भी जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ये एक अपनी खूबी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर वॉशिंग प्रोग्राम्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, आपको स्पिन स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सारी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, इसीलिए आपको एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के और भी नुकसान होते हैं, वो ये है कि इसकी जो प्राइस है वो टॉप लोड और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, आपको एक ज़्यादा प्राइस में ही ये वॉशिंग मशीन पड़ने वाली है। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों सारी प्रक्रिया आपको ऑटोमेटिक मिलेगी, पानी भी कम कंज्यूम करेगी, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगी एक टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुकाबले। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो एक छोटा सा जो है वो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है, जो इसका फ्रंट डोर है इसके अंदर जो डोर सील आती है, आप देख पा रहे होंगे जो डोर सील है ये टाइम टू टाइम कभी भी जो है वो ख़राब हो जाती हैं। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको रेगुलर इंटरवल्स में चेंज करना ही होता है, तो ये एक छोटा सा कौन है। अदरवाइज ये एक कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको देखने को मिलता है एक फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। अब हम बात करते हैं कि हमको हायर ही क्यों लेना चाहिए फ्रंट लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। हायर में आपको क्या एक ऐसा एडवांस फीचर देखने को मिल रहा है जिसके कारण आपको हायर कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें, मार्केट में जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे कंपेयर करें तो इसकी प्राइस आपको कम ही देखने को मिलेगी, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको अंदर की जो ड्रम मिलता है उसकी साइज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, प्लस इसकी जो ऊपर की तरफ हाइट है वो हाइट भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे कि आपको एक बेहतर वॉश ज़रूर मिलेगी, एक कंप्लीट वॉश ज़रूर मिलेगी और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो आपको हायर की ओर से देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमको जो है वो हायर क्यों कंसिडर करना चाहिए। अब हम मैं बात कर रहा हूँ कि आपको हायर कब कंसिडर नहीं करना चाहिए। इसकी एक ही रीज़न है दोस्तों कि अपने एरिया में सर्विस नेटवर्क अवेलेबिलिटी चेक करें। अगर आपके एरिया में सर्विस नेटवर्क अवेलेबिलिटी है तो फिर ज़रूर आप इस हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर सर्विस नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गूगल पे आपको चेक करना है, अपने एरिया की लोकेशन डालना है, जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं वो डालना है और ब्रांड का नेम डालना है और लास्ट में आपको लिखना है सर्विस नेटवर्क अवेलेबिलिटी। अगर सर्विस नेटवर्क अवेलेबिलिटी है तो ज़रूर कंसिडर करिए, आपको एक अच्छी वॉशिंग मशीन हायर की ओर से ज़रूर मिलेगी। दोस्तों हायर की इस वॉशिंग मशीन में आपको डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलता है सबसे टॉप की ओर, और यहाँ पर आपको 14 वॉशिंग प्रोग्राम यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन की कमाल बात यह है दोस्तों कि जो इसकी ड्रम साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, आपको एक अच्छी वॉश का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। साथ ही साथ दोस्तों जो इसमें आपको मोटर मिलते हैं वो एक 1200 RPM की मोटर मिलती है। जितनी ज़्यादा आपको जो है वो स्पिन स्पीड मोटर की मिलेगी जो कि 1200 RPM है, जिससे कि आपको एक बेहतर वॉश ज़रूर होगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो कुछ एसेसरीज़ भी कंपनी की ओर से मिलते हैं, जिसमें आपको वाटर सप्लाई का पाइप्स देखने को मिल जाता है जिससे कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों हायर की इस वॉशिंग मशीन में आपको 525 का ड्रम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक अच्छी वॉशिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, जिसमें आपको मोर क्लीन का फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसमें हीट पावर इंक्रीज़ हो जाती है 10% तक और आपको एक अच्छी वॉश का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉस स्ट्रेच का फीचर भी देखने को मिलता है, जिसमें ट्यूब जो है वो 20% तक इंक्रीज़ हो जाती है और आप जो भी कपड़े वॉश करते हैं वो बहुत ही अच्छे आपको वॉशिंग के साथ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोर एफिशिएंसी का फीचर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर 50% तक कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर आपको जो है वो एक शानदार लॉन्ड्री का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा, एक अच्छी वॉशिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो हेयर केयर का फीचर भी देखने को मिलता है हायर की ओर से, जिसके अंदर जो भी कपड़े आप जो है वॉशिंग मशीन में लोड करते हैं उन पर जो भी बैक्टीरियाज़ होते हैं उनको 100% किल कर दिया जाता है और आपको एक अच्छी वॉशिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। इस वॉशिंग मशीन में आपको इन्वर्टर मोटर देखने को मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है, बिजली की बचत ज़रूर करेगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक का फीचर भी इस वॉशिंग मशीन में देखने को मिल जाता है। आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा रिंस यानी कि कपड़े को अगर आप ज़्यादा देर तक हंगालना चाहते हैं तो ये फीचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों पर आपको स्टार्ट एंड पॉज का बटन भी देखने को मिल जाता है, अगर आपने कपड़े एड कर दिए हैं और कुछ कपड़े भूल गए हैं तो दोबारा वो कपड़े जो हैं वो लोड भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कमाल के 14 वॉशिंग प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स हायर की फ्रंटल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर का ज़रूर शेयर करें, जिससे कि जो भी अपने लिए एक फ्रंट लोड बजट फ्रेंडली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं उनको काफ़ी बेहतर डील मिल सके। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन की वारंटी की अगर हम बात करें तो इस ओवरऑल प्रोडक्ट पर आपको जो है वो 3 साल की कॉम्प्रेसिव वारंटी मिलेगी, वहीं पर 12 साल की आपको मोटर पर वारंटी देखने को मिल जाएगी। और अगर ये वॉशिंग मशीन अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी करंट प्राइस है 32,000 रुपये के आसपास, जिसके बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ में हमारा रिकमेंडेड वॉशिंग मशीन की लिस्ट भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। अगर आप हायर की वॉशिंग मशीन नहीं कंसीडर करना चाहते हैं, सपोज आपके एरिया में सर्विस नेटवर्क एबिलिटी नहीं है, तो नीचे दी हुई वॉशिंग मशीन को भी आप जो है वो कंसीडर अपने लिए कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।